तो आज के दिन मार्वल की गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट 3 रिलीज कर दिया गया है और ये आप और हम सभी को ही पता है कि मार्वल का फेज 5 उतना अच्छा नहीं रहा है। आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये मूवी मार्वल के फेज 5 की बाकी मूवियों की तरह नहीं है। इस मूवी के अंदर बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट तो नहीं करती है, लेकिन इस मूवी के अंदर अच्छी बात यह है कि जो इसके पिछले पार्ट्स हैं ये उनके प्लॉटों को छोड़ती भी नहीं है। इस मूवी के अंदर भी पहले ही पार्टों की तरह भर भर के कॉमेडी, एक्शन और क्लासिक टाइप का बीजीएम रखा गया है, जो कि मिलके एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट मूवी क्रिएट करता है और जिसको देखने में आप लोगों को मजा आने वाला है। इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा फोकस किया गया रॉकेट के कैरेक्टर पर। इस मूवी के अंदर रॉकेट की पूरी ओरिजिनल स्टोरी दिखाई गई है और किस तरह से एक नॉर्मल एनिमल से वो एक वेपन मशीन में कन्वर्ट हो जाता है पूरा डिटेल में दिखाया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जो मूवी का मेन विलन है जिसने रॉकेट को मेक किया था, वो चाहता है रॉकेट को और रॉकेट को पकड़ने के लिए वो भेजता है एडम को, लेकिन एडम वहां पे नाकामयाब होता है। लेकिन उस हमले के अंदर रॉकेट के चोट लग जाती है जिसकी वजह से गार्जियंस की जो पूरी टीम होती है रॉकेट को बचाने में लग जाती है और मेन विलन का अपना फोकस होता है कि उसको रॉकेट चाहिए किसी पर्पस के लिए। अगर वो मैं आपको बता दूंगा तो आपका स्पॉइलर हो जाएगा, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसी के साथ विलन का एक एम और होता है कि अपनी खुद की दुनिया क्रिएट करे जिसमें वो अपने हिसाब से अपने इन्वेंशन किए हुए लोगों को वहां पे रख सके और अपने हिसाब से उस दुनिया को चला सके। पूरी मूवी का प्लॉट इसी स्टोरी पे फोकस करता है, लेकिन इस बार मेरे को पहले के मुकाबले कुछ चीजें पॉजिटिव भी लगी और कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव की बात पहले कर लेते हैं तो इसकी कॉमेडी पहले के मुकाबले ज्यादा पंचुअल और ज्यादा फनी मेरे को फील हुई। इसके एक्शन भी पहले के हिसाब से ज्यादा बेटर हुए। एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि शिप के अंदर चल रहा होता है और उसमें जो स्लोमो का यूज किया गया मजा आ गया। मतलब आपको देख के लगेगा नहीं कि आप जेम्स गन की मूवी देख रहे हैं, आपको लगेगा जैक स्नाइडर की मूवी चल रही है। मूवी के नेगेटिव की बात करें तो मूवी में एक नेगेटिव पॉइंट लगा, मूवी की स्टोरी बहुत फास्ट पेस होती है, वो सब कुछ एकदम ऐसे ऐसे निकलता है, तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान इधर उधर करोगे तो हो सकता है आप कुछ चीजें मिस कर जाओ, जिसकी वजह से स्टार लॉर्ड को अब तक सबसे ज्यादा हेट मिलती आई है। वो चीज स्टार लॉर्ड ने इस मूवी के अंदर खुद क्लियर कर दिया, उसने खुद कबूला है कि उसकी गलती की वजह से दुनिया की आधी पॉपुलेशन गायब हुई थी, तो अब उसको हेट करना बंद करो। मूवी के अंदर दो पोस्ट क्रेडिट हैं जो कि मेरे को इतने वर्दित नहीं लगे, तो अगर आप देखना चाहो तो रुक सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है उन्हें देखने की। मूवी से उनका कोई ऐसा लिंक भी नहीं है और फ्यूचर के लिए कोई हिंट भी नहीं छोड़ा गया है। बाकी पूरी मूवी फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, तो जाओ जाकर देखो। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गो वॉच।